ये फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है बिना फ्रिक्शन के। तो क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक जिसका मास m है, तो ये ब्लॉक है छोटा m, मास है इसका, एक वुडन प्लैंक है इसके ऊपर, ये ट्राइंगल के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, जैसे ही ब्लॉक नीचे आता है ये वेज पीछे जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे उस स्लाइड में खेल रहे होते हैं, वो एकदम कोई स्लाइड होता है तो स्लाइड पीछे चली जाती है, ये सेम वही तो चीज़ है। तो आप अगर मान लो m मास को नीचे उतारेंगे तो स्लाइड पीछे चली जाती है। तो क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, आपको एक्सेलरेशन बतानी है, कितनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आए विद रिस्पेक्ट टू वेज इज क्या होगी, और दोनों के सिर्फ मास गिवन है, आपको कुछ नहीं गिवन। और तो इसमें ये भी चल रहा है और इसमें ये भी चल रहा है, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को पहले डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका वेट एम जी, एम जी कॉस, एम जी साइन, ये ब्लू कलर के वेक्टर्स क्लियर है। तीसरा, ये वेज क्योंकि ये जब ब्लॉक नीचे उतरेगा तो ये वेज पीछे जाएगा, मान लो ये वेज पीछे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए वेज ए डब्ल्यू, और जब ये पीछे जाएगा तो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ क्या लगाएगा, सूडो फोर्स, कितनी लगाएगा, एम इंटू ए ऑफ डब्ल्यू। ये भी क्लियर है यहां तक, तो ये ए डब्ल्यू के साथ पीछे गया तो एम इंटू ए डब्ल्यू के साथ ये आगे गया। तो 30 एंड 30 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एम ए डब्ल्यू कॉस 30 और एम ए डब्ल्यू साइन 30, इस वेज की, ट्राइंगल की, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो ट्राइंगल पीछे आएगा और इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा जाएगा, और सूडो फोर्स के कॉम्पोनेंट्स हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, देखो एन प्लस एम ए डब्ल्यू साइन 30 मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एम जी साइन 30, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, एम पता है, जी पता है, कॉस 30 पता है, एम पता है, ए डब्ल्यू नहीं पता, साइन 30 पता है, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए डब्ल्यू। हाँ, साथ तो चल रहे और साथ में वेज भी जा रहे, राइट, ऊपर ही है, और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाऊंगा, अभी नीचे आने का, अभी सिर्फ वेज का बनाया है। तो ये रूल क्लियर है, एन आ गया। अब एक काम करते हैं, इस ट्राइंगुलर वेज की बात करते हैं, ट्राइंगुलर वेज कहाँ जा रहा है, पीछे इधर जा रहा है, कैसे इधर जा रहा है, कौन इस पर फोर्स लगा रहा है, छोटा मास एम फोर्स लगा रहा है, छोटा एम कैसे फोर्स लगा रहा है, देखो छोटे एम से ये पूछो कि तेरे को क्या फोर्स लगी, वो ना लंबी कहानी सुनाएगा, ये मेरे को ये भी लगा, मेरे को ये भी लगा, मेरे को ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, अल्टीमेटली अफेक्टिव एन क्या लगा, उसने कहा एन लगा। जो अफेक्टिव फोर्स होती है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है, हमने ये लिफ्ट वाले केस में डिस्कस किया था, बॉडी का एक्चुअल वेट जो मर्जी हो पर अगर नॉर्मल रिएक्शन 10g है तो आंसर 10g ही है। तो एक्चुअल में इस बॉडी पे अफेक्टिव इन सब का वेक्टर सम क्या लगा, एन लगा। तो इस बॉडी ने वेज पे भी उल्टी तरफ क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन एन लगाया होगा, एन, तो इसको खुद भी एन मिला और इसने इसके ऊपर भी एन फोर्स लगा दी। तो जिस एन, क्योंकि ये 60 डिग्री, ये कितने एंगल था, ये एंगल इसका 30 था, तो ये 30 था तो ये 90 हो जाएगा इस ट्राइंगल में, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछे कि वेज पीछे क्यों जा रहा है तो आप बोलेंगे ये एन कॉस 60 फोर्स इसको पीछे लेके जा रही है। तो कितनी एक्सेलरेशन से पीछे जा रहे हैं, ए डब्ल्यू से जा रहे हैं, तो एन कॉस 60 इज मास ऑफ वेज इंटू ए डब्ल्यू, तो एन कॉस 60 इज इक्वल टू एम ए। तो मास आपको पता था, एम की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू तो ऊपर भी आ गई थी क्वेश्चन नंबर वन में, एन की वैल्यू नीचे भी आ गई क्वेश्चन नंबर टू में, दोनों एन एन को इक्वेट करके एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ गई। देखो सिर्फ मास गिवन थे दो और कुछ भी नहीं गिवन, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज पूछ ली, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज आ गई। पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ वेज निकालनी कहाँ है, हमें तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है। अब इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, इसके ऊपर शुरू में देखो कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एम जी साइन 30 और एक एम ए डब्ल्यू कॉस 30, ये दो वेक्टर लग रहे हैं। तो ये दो वेक्टर्स मस्ट का सम मस्ट बी इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये ना मास 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 कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑफ वेज हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया।